नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। कोरोना के नए डेल्टा वेरिएंट ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। इस बीच रूस के वैक्सीन डेवलपर्स ने एक बड़ा दावा किया है। उनकी स्पुतनिक वी वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 90% तक प्रभावी है। ये रूस ने एक बड़ा दावा किया है। बता दें कि कोरोना के इस वेरिएंट को लेकर WHO भी बहुत ज़्यादा चिंतित है। WHO प्रमुख ट्रेड्स अदनोम ने पिछले सप्ताह कहा था कि ये वेरिएंट इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वैक्सीन लगे लोगों को भी खतरे में डाल सकता है। आपको बता दें, भारत समेत दुनिया भर के देशों में रक्षा कवच बन रही स्पुतनिक वी कोरोना के ओरिजिनल स्ट्रेन के खिलाफ भी अच्छे परिणाम दे चुकी है। इससे पहले के क्लिनिकल ट्रायल में वायरस के ओरिजिनल स्ट्रेन के खिलाफ इसका एफिकेसी रेट 92% तक रहा था। बता दें, स्पुतनिक वी बनाने वाले गैलेमाय इंस्टीट्यूट के डिप्टी डायरेक्टर डेनिस लेगोनोव ने बताया कि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ इसका एफिकेसी फिगर डिजिटल मेडिकल और वैक्सीन रिकॉर्ड पर आधारित है। बता दें कि रशियन अथॉरिटी ने COVID-19 की मौजूदा उछाल के लिए अत्यधिक संक्रमक डेल्टा प्लस वेरिएंट को ही जिम्मेदार ठहराया है। वहीं दूसरी तरफ रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड ने 29 जून को एक बयान में बताया कि UAE में 81,000 लोगों में स्पुतनिक वी का एफिकेसी रेट 97.8% पाया गया था। RDIF ने कहा कि UAE के स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम के दौरान स्पुतनिक वी की प्रभावशाली पुष्टि की है। गौरतलब है कि रूस की सरकारी एजेंसी ने बताया कि वैक्सीन के एफिकेसी रेट का ये विश्लेषण 8 जून को एकत्रित की गई डेटा पर आधारित है। स्पुतनिक वी कोरोना के घातक इन्फेक्शन के खिलाफ प्रभावशाली है और इसके वैक्सीनेशन के बाद लोगों में गंभीर साइड इफेक्ट की शिकायत भी सामने आ रही है। आपको बता दें, RDIF के CEO किरिल मित्रदेव ने कहा कि स्पुतनिक वी लोगों में जबरदस्त इम्यूनिटी पैदा करने में सक्षम है। बहरीन, हंगरी, मैक्सिको, साइबेरिया, अर्जेंटीना, सैन मेरिनो समेत दुनिया भर के कई देशों में मिले आंकड़ों के आधार पर यही बताया गया है कि स्पुतनिक वी वाकई एक लाजवाब वैक्सीन है। वहीं गैलेमाय इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर एलेक्जेंडर गिटेबर्ग के मुताबिक दुनिया भर के देश डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर अब काफी ज्यादा सीरियस हो गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।